एक बार आपके पास दो फरिश्ते आए और आपसे कहा कि चलिए आपको ले गए ऊंचे पहाड़ के नीचे ले गए, कहा कि इस पर चढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस पर कैसे चढ़ सकता हूँ। उन्होंने कहा कोशिश कीजिए। आपने कोशिश की, अल्लाह ने उस पहाड़ तक पहुँचाया। उसके बाद आपने देखा कि साहब लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, आहो फुगा कर रहे हैं, दहाड़े मार रहे हैं, वावेला कर रहे हैं। आपने पूछा कि ये क्या है, फरमाया। और उस रिवायत में भी लिखा है कि उनको ये एड़ी हमारी एड़ी एड़ी के ऊपर का जो हिस्सा है, इस हिस्से के जरिए से उनको लटकाया गया दोजख की आग के अंदर, लटकाया गया और उनके मुंह फाड़ दिए गए और उनके जबड़ों और उनके पांचों से वो साफ खून टपक रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं, फरमाया ये वो लोग हैं जो रमजान के महीने के अंदर रोजा रख के तोड़ देते, रोजा रख के तोड़ देते। इसमें जरा इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जब रोजा रख के तोड़ देने की ये सजा है और जो रोजा ना रखे उसकी सजा क्या होगी, उसकी सजा क्या?